वेलकम एंड वेलकम बैक माई अनदर ब्लॉग। तो दोस्तों आज हम जा रहे हैं अयोध्या का टिकट बुक करने के लिए, राम मंदिर जो अयोध्या में बना उसको देखने के लिए हम जा रहे हैं 18 तारीख को। तो आज हम इसका टिकट बुक करने के लिए जा रहे हैं स्टेशन पर, और चलते जो भी होता है वो आप सभी को दिखाएंगे, एंजॉय कराएंगे ब्लॉग में। तो ब्लॉग में लास्ट तक बने रहना आप सभी को। तो गाइस फाइनली हम आ पहुंचे गंगापुर सिटी के स्टेशन पर। पीछे एक साइड आप सभी देख सकते हैं, ये गंगापुर सिटी का रेलवे स्टेशन है। और भी आप सभी को मैं फ्रंट कैम बैक कैमरे से दिखाने की कोशिश करूंगा एक बार। ये सब आते ही बिजी हो गए फोन में, इधर ये बात कर रहा है, उधर गोविंद बात कर रहा है, दीपक दोनों बात कर रहे हैं। और गंगापुर सिटी का जो विस्तार है वो विस्तार होने वाला है। अभी आप मेरे पीछे साइड देख रहे हैं ना, काफी अच्छा दिख रहा है आप सभी गंगापुर सिटी। और मैं आगे से फ्रंट से आप सभी को दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहीं पे आप सभी को ऊपर डाक घर रेलवे कॉलोनी वाला वो दिख गया है पीछे साइड, जो ये पोस्ट पेमेंट बैंक है वो ये देखने को मिल जाएगा। अब आप सभी को दिखा देता हूँ गंगापुर सिटी का पूरा व्यू। ये गंगापुर सिटी का पूरा रेलवे स्टेशन है, और यहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, गंगापुर सिटी का विस्तार हो रहा है। तो इधर की साइड काम चल रहा है जिससे इसका विस्तार हो रहा है, और काफी बड़ा प्लेटफॉर्म बनने वाला है। क्योंकि नरेंद्र मोदी ने लाइव जो कुछ स्टेशन है वो योजना तो मुझे याद नहीं आ रही कौन सी थी, पर उसके तहत इस स्टेशन को भी विस्तार काफी बड़ा होने वाला है। और क्योंकि जिला भी बन चुका है गंगापुर सिटी, तो उससे काफी ज्यादा गंगापुर में रौनक छा चुकी है, और काफी अच्छा लग रहा है देख सकते हैं यार गंगापुर सिटी रेलवे स्टेशन। और काफी बड़ा अंदर की साइड भी डबल ब्रिज का काम चल रहा है, और ब्रिज बन रहे डबल, एक तो पहले से था ही ऑलरेडी और एक और बन रहा है अब। और अभी हम चलते हैं अंदर की साइड, और अंदर की साइड जाने के बाद एक बार टिकट बुक करा लेते हैं अयोध्या के हम, क्योंकि राम मंदिर भी तो हमें सभी को घूमना ही है। मैम ये टिकट खिड़की जो आरक्षित वाले कब खुलेंगे? आज खुलेगी नहीं खुलेगी बता दो, आज नहीं खुला यार, मना कर रही मैडम। नगर बाप लिख रहा पढ़ रहा है यार, राधु से ना को कुछ 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 दिक्कत एक अच्छी वीडियो बन रही है। यहाँ पर दोनों फ्री को वाईफाई उपलब्ध है, यहाँ पे नेट चला हुआ लिमिटेड, रात में नेट नहीं चला, नेट वो लिख तो रही हो यहाँ तेज वाईफाई उपलब्ध है चले। हाँ ये बाबा मना कर रहा। तो गाइस अभी तो ये हुआ है कि जो टिकट है ना वो टिकट खिड़की बंद हो चुकी है, और बंद होने के कारण हमने बात भी करी है तो वो बता रहे कि कल खुलेगी 8 बजे, आज तो खुलेगी नहीं है। तो अभी तो हम किसी ई मित्र के पास जा रहे हैं कोई सलाह लेने के लिए कि अगर हम आपके ई मित्र से टिकट बुक कर दे तो वो क्लियर हो सकता है नहीं हो सकता, उस टिकट से हम रेल के डब्बे में बैठ सकते नहीं बैठ सकते। क्योंकि मुझे अभी बताया है कि भाई जो ई मित्र वाला टिकट होता है ना उससे डब्बे में बैठ नहीं सकते, और स्टेशन टिकट से वेटिंग वाले से डब्बे में बैठ सकते हैं। तो देखते एक बार क्या होता है, और चलते एक बार ई मित्र के पास, फिर वहीं जाके बात करते हैं। अभी वो गाड़ी लेके आ रहे हैं दीपक और गोविंद, पीछे साइड खड़े वो गाड़ी ला रहे, तो चलते एक बार और वहीं जाके बात करते हैं आप सभी से। तो गाइस अगर टिकट नहीं मिल गया तो क्या होगा हमारे साथ? देखते हैं आगे। गाइस अभी हमें रेलवे का टिकट तो मिला ही नहीं है, फ्लाइट का टिकट बुक कराने के लिए आ गए यहाँ पे सिल्वर स्टार ट्रेवल एंड ईमित्र। एक बार बात करते हैं इससे, फ्लाइट का टिकट बुक हो जाएगा क्या हमारा? तो गाइस अभी जो हमने बात करी वो फ्लाइट भी हमारी कैंसिल है, क्योंकि 17 तारीख की कोई फ्लाइट ही नहीं है। वो तो बैटिंग में चल रहा, पर फ्लाइट की भी टिकट कैंसिल है क्योंकि फ्लाइट भी नहीं है। और अभी चलते घर की तरफ और देखते जो करते वो बताएंगे, अभी तो कुछ हुआ नहीं है हमसे बाजरी। चलो एक बार घर चलते। तो गाइस ये है गंगापुर सिटी के हालात, हर जगह गंगापुर सिटी में यही चीज़ देखने को मिलेगी हमें। गाइस ये है रिद्धि सिद्धि हॉस्पिटल, यहाँ पे गाइस अभी हम कराने वाले टंकी को फुल, और ये आ चुका पेट्रोल पंप ब्रिज के पास में जस्ट। अभी दीपक जी टंकी को फुल करा रहे, क्योंकि पैसा अनाप सनाप पड़ा ना हमारे पास, तो उसको डब लगा रहे अभी। गाइस आज हमें
जो हमारा टिकट था रेलवे का वो भी नहीं मिला, फ्लाइट टिकट भी नहीं मिला, और मतलब कुछ भी काम नहीं हुआ आज। और इसके बाद आ चुके हैं हम घर फाइनली। तो बताना आज की वीडियो आप सभी को कैसी लगी, अच्छी लगी लाइक करो, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करो, घंटे को हिलाना है दबाना मुझे पता नहीं है, बस क्लिक हो जाना चाहिए।